दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती निकली है NHM के अंतर्गत। 1400 से ज़्यादा खाली पद है जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन ने एक बार फिर से नया नोटिस जारी कर दिया है, जिसके तहत यहाँ पर NHM में खाली पदों को भरने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या इन भर्तियों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वेरियस पोस्ट निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है, किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है, कैसे आप इनकी नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं NRHM वैकेंसी की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन में भर्ती निकली है, वेरियस पोस्ट है जिसकी जानकारी हम आपको नोटिस से यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1400 से ज़्यादा है, सैलरी 15000 और 25000। कुछ पोस्ट के लिए हम आपको नोटिस से दिखाएंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या यहाँ पर आपको सैलरी इसमें मिलने वाली है। साथ साथ बात अगर योग्यता की जाए तो 12th ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 40, 45, 50 और 62 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी भी हम आपको पोस्ट वाइज नोटिस से ही दिखाएंगे। बात अगर आवेदन शुल्क की जाए तो इस भर्ती के लिए आपको कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो sams.co.in या फिर upnrhm.gov.in, इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है जिससे इस भर्ती के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश है, ऑल इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। बात अगर डेट की जाए तो स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 10 अक्टूबर 2019 है। इसके ऑफिशियल पोर्टल पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक 10 तारीख को ही एक्टिवेट किया जाएगा, आप तभी से यहीं से डायरेक्टली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और दोस्तों लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 30 अक्टूबर 2019 है। तो दोस्तों चलिए इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन में भी यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि 1400 से ज़्यादा खाली पदों के लिए यहाँ से आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। पोस्ट आप चेक कर सकते हो, 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म फाइनली सबमिट कर सकते हो। जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी इसकी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। कैरियर अपॉर्चुनिटी, यहाँ से आप डिटेल्स में जानकारी चेक कर सकते हो। ऑफिशियल पोर्टल पर 4 अक्टूबर को ये पब्लिश कर दी गई थी। नेशनल हेल्थ मिशन ने एक बार फिर से नया नोटिस जारी कर दिया है, वेरियस पदों के लिए यहाँ पर 1400 से ज़्यादा यहाँ पर खाली वैकेंसीज निकली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से प्रोग्राम नेम चेक कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके पोजीशन नेम, पोजीशन कोड, एसेंटियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है और साथ साथ एसेंटियल एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है जिस पोस्ट के लिए वो यहाँ पर दिया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल है। अन्य जो OBC SC ST कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी चेक कर सकते हो। साथ साथ मैक्सिमम एज लिमिट भी आप यहीं से चेक कर सकते हो। जो सैलरी आपको मिलने वाली है जिस पोस्ट के लिए वो भी आप वीडियो को पॉज करके सिंपली चेक कर सकते हो। जैसे कि ब्लॉक अकाउंट मैनेजर पोस्ट के लिए यहाँ से क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ कॉमर्स है और साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है इसमें अकाउंटिंग और टैली सॉफ्टवेयर में। 86 नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल है। अन्यजों के लिए 59 है, OBC के लिए 11, SC के लिए 16 है, ST के लिए वैकेंसी नहीं है। 40 मैक्सिमम आयु सीमा यहाँ पर रहने वाली है। 22,325 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है सेकंड नंबर पर, ये आप चेक कर सकते हो। उसके लिए टोटल 6 वैकेंसीज है, सैलरी 16,500 है। थर्ड नंबर की जो पोस्ट है डेंटल सर्जन की, इसके लिए यहाँ पर 19 खाली पद है, 39,900 यहाँ पर आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। जी हाँ दोस्तों, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो। फोर्थ नंबर की जो जॉब है IUSMO की, इसके लिए यहाँ पर आप डिग्री आयुर्वेदा में होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। 40 मैक्सिमम यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट 62 है। 29,106 यहाँ पर आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर की पोस्ट है IUSMO योगा स्पेशलिस्ट की, इसके लिए डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, BNYS से, और साथ साथ 2 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। 29,106 यहाँ पर टोटल आपको सैलरी इसमें प्रोवाइड की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको यहाँ पर शॉर्ट में क्वालिफिकेशन की जानकारी देंगे, आप डिटेल में आज से पूरा ये टेबल से रीड कर सकते हो। उसके बाद जो 6 नंबर की पोस्ट है केस रजिस्ट्री असिस्टेंट की, इसके लिए हायर सेकंड या इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में 3 मंथ का मांगा गया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 58 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 12,000 रुपये इसमें आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी।
7 नंबर की जॉब है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, इसके लिए 32 वैकेंसीज है, 60,000 यहाँ पर आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जो 8 नंबर की पोस्ट है कम्युनिटी लेवल साइकोलॉजिस्ट की, इसके लिए एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी में होना चाहिए या फिर एमए साइकोलॉजी में होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। 300 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, इसके लिए 25,000 रुपये सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 9th नंबर की जो पोस्ट है मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन ऑफिसर की, इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और साथ में सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन में मांगा गया है कम से कम 3 महीने का, और एक्सपीरियंस भी 2 साल का इसमें मॉनिटरिंग और इवेल्यूशन एक्सपीरियंस इसमें पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट या प्रोग्राम में मांगा गया है। 61 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 35,000 रुपये सैलरी आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो 10 नंबर पर जॉब है साइकेट्रिक सोशल वर्कर की, इसके लिए एमए एमएससी अप्लाई कर सकते हैं। 30 यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 50,000 रुपये सैलरी है। 11 नंबर की जॉब है आई डोनेशन काउंसलर की, इसके लिए ग्रेजुएशन डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। 1 वैकेंसी है, 15,000 रुपये सैलरी है। जो 12 नंबर की जॉब है इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 2 साल का डिप्लोमा इसमें मांगा गया है। 1 वैकेंसी है, 12,000 रुपये सैलरी है। 13 नंबर की जो जॉब है फाइनेंशियल कम लॉजिस्टिक कंसल्टेंट की, इसके लिए इंटर सीए या इंटर आईसीडब्ल्यूए या एमकॉम या एमबीए इसमें होना चाहिए। 26 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 30,000 रुपये यहाँ पर आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 14 नंबर पर जो जॉब है फिजियोथेरेपिस्ट की, इसके लिए बैचलर डिग्री फिजियोथेरेपी में होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। 20 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 20,000 रुपये इसमें आपको सैलरी इसमें प्रोवाइड की जाएगी। 15 नंबर पर भी आप देख सकते हो 20,000 रुपये सैलरी है। 14 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। 16 नंबर की जो पोस्ट है इसके लिए भी यहाँ पर आप इंटरमीडिएट अप्लाई कर सकते हैं। 29 यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 18,000 रुपये सैलरी है। जो 17 नंबर पर जॉब है इसके लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। 35 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 25,000 रुपये सैलरी है। 18 नंबर पर जो पोस्ट है सोशल वर्कर की, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। 34 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 25,000 रुपये सैलरी है। 19 नंबर की जो जॉब है डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर की, इसके लिए पीजी कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकते हैं या फिर बीटेक आईटी में या फिर कंप्यूटर साइंस में तो आप अप्लाई कर सकते हो। 5 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 20,300 सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 20 नंबर की जो जॉब है इसके लिए भी यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस है और बैचलर इन यहाँ पर फिजियोथेरेपी में आपसे मांगा गया है। 5 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 25,000 रुपये सैलरी है। 21 नंबर पर जो वैकेंसीज है अकाउंटेंट की, इसके लिए ग्रेजुएट कॉमर्स में होना चाहिए। 5 वैकेंसीज है, 21,830 सैलरी है। उसके बाद दोस्तों जो 22 नंबर पर जॉब है काउंसलर, इसके लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 3 वैकेंसीज है, 12,128 यहाँ पर आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 23 नंबर पर जो जॉब है इसके लिए 6 वैकेंसीज है, 26,681 सैलरी है, ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। 24 नंबर पर जो जॉब है डिस्ट्रिक्ट पीपीएम की, इसके लिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। 8 वैकेंसीज है, 26,681 यहाँ पर आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 25 नंबर पर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए यहाँ पर एमबीए या पीजी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 वैकेंसीज है, 30,319 सैलरी है। 26 नंबर पर जो पोस्ट है डीआरटीबी सेंटर की, इसके लिए ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। 2 वैकेंसीज है, 24,255 सैलरी है। 27 नंबर पर इसके लिए यहाँ पर इंटरमीडिएट प्लस डिप्लोमा मेडिकल में अप्लाई कर सकते हैं। 10 वैकेंसीज है, 16,373 सैलरी है। 28 नंबर पर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, 16 वैकेंसीज है, 26,681 सैलरी है। 29 नंबर पर जो पोस्ट है इसके लिए बैचलर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। 90 वैकेंसीज है, 26,681 यहाँ पर आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 30 नंबर पर जो जॉब है इसके लिए आप देख सकते हो इंटरमीडिएट अप्लाई कर सकते हैं, 18,191 यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 28 टोटल वैकेंसीज है। इसी तरह आप सभी पोस्ट के लिए वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी इंटरमीडिएट अप्लाई कर सकते हैं, 12 यहाँ पर वैकेंसीज है, सैलरी 14,443 है। और 32 नंबर पर भी आप देख सकते हो आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर, यूनानी मेडिकल ऑफिसर, होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर, सभी के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है। 142 वैकेंसीज है, 26,460 आपको यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। इसी तरह 33 नंबर पर आप देख सकते हो, इसी तरह आप डिटेल में पूरी जानकारी चेक कर सकते हो। 34 पर भी इंटरमीडिएट 85 वैकेंसी, 13,500 सैलरी है। 36 पर भी आप चेक कर सकते हो, डेंटल टेक्नीशियन है पोस्ट। उसके बाद 38 पर मेडिकल ऑफिसर डेंटल की है, और साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट, सोशल वर्कर, डीआईसी मैनेजर, सभी पोस्ट के लिए आप यहां से क्वालिफिकेशन और वैकेंसीज और साथ साथ सैलरी आप वीडियो को पॉज करके सिंपली रीड कर सकते हो। इसी तरह 56 नंबर यहां पर आपको टोटल वैकेंसीज दी गई है, 56 सीरियल नंबर तक आप इसी तरह वीडियो को पॉज करके पोस्ट साथ साथ यहां से आप क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ वैकेंसीज और सैलरी चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन 10 अक्टूबर 2019 सुबह 12:01 से शुरू हो जाएंगे। आप ऑनलाइन आवेदन 10 तारीख से कर सकते हो, लास्ट डेट 30 अक्टूबर 2019 है। सिलेक्शन, रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कैसे कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको upnhm.gov.in पोर्टल से इसका ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना होगा और पूरी डिटेल्स रीड करनी होगी। sams.co.in पोर्टल पर आपको उसके बाद में विजिट करना होगा और 10 अक्टूबर से आप इस भर्ती के लिए इसी पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद आपको पूरी डिटेल्स उसमें फिलअप करनी होगी। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बटन पर आपको क्लिक करना होगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में आपको पूरी डिटेल्स उसमें फिलअप करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, प्रोफाइल इमेज, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट, जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से रिलेटेड है वो आपको अपलोड करने होंगे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको इसके ऑफिशियल यहाँ पर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको पूरी डिटेल्स डालने के बाद में आवेदन करें या अप्लाई नाउ के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इमेज, डॉक्यूमेंट, सबमिट एप्लीकेशन आपको फाइनली कर देना होगा। ऐसे आप इस भर्ती के लिए फाइनली फॉर्म सबमिट कर सकते हो। फाइनल स्टेप के लिए भी यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है, तभी आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। साथ साथ दोस्तों, अगर आपको भी ये नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करनी है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों नोटिफिकेशन की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है, तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो शॉर्ट नोटिफिकेशन PDF की टैब दी गई है। जैसे आप इस टैब पर क्लिक करोगे तो इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी, जिसको आप सिंपली इसे डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, साथ साथ दोस्तों यहीं पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन PDF की टैब भी दी गई है। जैसे आप इस टैब पर क्लिक करोगे तो इसकी डिटेल नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी, जिसके अंतर्गत आपको पूरी जानकारी दी गई है और इसको रीड करने के बाद आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। और साथ साथ दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन की टैब भी यहीं पर दी गई है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन की टैब पर क्लिक करोगे तो इसका अप्लाई ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। सेंटर में आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट फॉर 1400+ वैकेंसीज के लिए यहाँ पर आप सेक्शन चेक कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का सेक्शन है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट की PDF आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो और जो शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट की PDF है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 10 अक्टूबर 2019 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर आप डेट भी चेक कर सकते हो। आप डायरेक्टली यहीं से इस भर्ती के लिए 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे आप इसकी नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो और ऐसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी बिग अपडेट अपलोड करते हैं।